नमस्कार, बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है फर्नीचर का शोरूम। आप अपना नया फर्नीचर का शोरूम बनाने जा रहे हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको किस प्रकार से अपना शोरूम बनाना चाहिए, आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और अपने शोरूम का सेटअप इस प्रकार से करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपका शोरूम बहुत बढ़िया चलेगा। जिस शोरूम की प्लानिंग मैं आपको दे रहा हूँ ये मेरे क्लाइंट है। इन्होंने मुझे अपने यहाँ कई साल पहले इनवाइट किया था। इनका अपना एक शोरूम होता था और वो शोरूम अच्छा नहीं चल रहा था, शोरूम के खर्चे भी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहे थे, तो इन्होंने मुझे अपने यहाँ बुलाया। जब मैं इनके यहाँ गया और मैंने देखा इनके यहाँ कुछ छोटी छोटी कमियां थी, इनके यहाँ मैंने छोटे छोटे उपाय बताए, वो उपाय करने के बाद इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। जब इनको अच्छे रिजल्ट मिले तो इन्होंने एक और फर्नीचर का शोरूम बनाया और वो शोरूम भी अपनी एडवाइस पर, यानी मेरी एडवाइस पर ही उन्होंने पूरे शोरूम का सेटअप किया। अब वो एक और अपना नया फर्नीचर शोरूम बना रहे हैं और उस पर कंसल्टेंसी ले रहे हैं। वही सेटअप मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं तो वास्तु शास्त्र के अनुसार किस प्रकार से आप अपना फर्नीचर का शोरूम बना सकते हैं। आप का अपना फर्नीचर का शोरूम पहले से बना हुआ है और आपका काम अच्छा नहीं चल रहा तो भी आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और फिर उसके बाद विचार कीजिएगा। आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो में जानकारी सही है तो आप अपने यहां पर छोटे छोटे बदलाव करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्नीचर का शोरूम बनने जा रहा है वो नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर मुखी है। अब इसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो फ्रंट का एरिया है, अपने बाहर का एरिया प्लस रोड का एरिया, वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए और ना ही अपने शोरूम के बाहर का एरिया, यानी चाहे अपनी फुटपाथ है और चाहे अपना रोड है, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। जो शोरूम बनने जा रहा है उसमें फ्रंट का भाग यानी जो नॉर्थ फेसिंग है उसमें जो फ्रंट की चौड़ाई है वो 3 शटर की चौड़ाई है, लगभग 35 से 40 फुट का फ्रंट है। तो ऐसे में जो शटर लगे हुए हैं वो यहाँ पर एक नॉर्थ ईस्ट में, दूसरा नॉर्थ में और तीसरा नॉर्थ वेस्ट में, ये 3 शटर लगे हुए हैं। इसमें जो एंट्रेंस बनानी है, क्योंकि कुछ जगह तो फिक्स ग्लास होगा और कुछ जगह ओपनिंग होगी, तो मैंने जो उनको सलाह दी कि नॉर्थ वेस्ट में यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट फिक्स ग्लास लगाइएगा और जो सेंटर नॉर्थ है इसमें सेंटर से शोरूम की एंट्रेंस कीजिए और एक एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ तक, इस हिस्से में जहाँ आपको अच्छा लगे एक एंट्रेंस यहाँ से जरूर बनाएं। आपने अपने यहाँ पर फ्रंट में 2 एंट्रेंस बना ली है, बाकी का आपका अपना कंप्लीट फिक्स ग्लास आएगा। फर्श की ढलान कैसे करनी है, फर्श की ढलान कंप्लीट साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर और वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर। जब साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान हो जाएगी तो यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे, शोरूम की वर्किंग बहुत अच्छी होती चली जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर तो पोल पे लगेगा, एमसीबी बॉक्स कहाँ लगाना है, एमसीबी बॉक्स साउथ ईस्ट जोन में, यहाँ पर एमसीबी बॉक्स लगा सकते हैं और एमसीबी बॉक्स थोड़ा सा और बाहर की ओर लगाना चाहिए तो यहाँ पर भी एमसीबी बॉक्स लगा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आप फ्रंट में एमसीबी बॉक्स लगाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट वॉल पर भी एमसीबी बॉक्स लगा सकते हैं। यहीं पर साउथ ईस्ट की ओर आप इन्वर्टर भी रख सकते हैं, यहाँ पर इन्वर्टर रखने से भी गर्मी बनती है क्योंकि साउथ ईस्ट जोन अग्नि का स्थान है। जब यहाँ पर हम एमसीबी बॉक्स लगाते हैं, इन्वर्टर की व्यवस्था करते हैं तो इससे भी गर्मी बनती है और जब साउथ ईस्ट का एरिया गर्म होता है तो ऐसी जगह हमेशा ही वर्किंग अच्छी आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर साउथ ईस्ट कॉर्नर में एक पेंट्री भी बनानी है जिसकी एंट्रेंस आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, ये दोनों एंट्रेंस बिल्कुल सही है और साउथ ईस्ट में आप अपनी पेंट्री जरूर बनाएं। आपके यहाँ जो भी कस्टमर आता है कोशिश करें आप उनको चाय या कॉफी सर्व जरूर करें। अब मैं आपको अंदर का सेटअप बताना चाहूंगा कि अंदर का सेटअप कैसे करना है। आप अपने यहाँ पर किचन साउथ ईस्ट में बने, इसके एंट्रेंस
नॉर्थ से भी कर सकते हैं और वेस्ट से भी कर सकते हैं। एमसीबी बॉक्स आप साउथ ईस्ट में यहाँ पर लगा सकते हैं और यहीं पर आप अपना इन्वर्टर भी रख सकते हैं। और ऐसे ही सेकंड ऑप्शन में जो बनता है वो नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट वॉल पर आप अपना एमसीबी बॉक्स भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें फर्नीचर का सेटअप कैसे करना है, क्योंकि आपका फर्नीचर का शोरूम है तो सबसे पहले आपके यहाँ जो वार्डरोब रखी जाती है, जो सेफ रखी जाती है, वो आपने कहाँ रखनी है, क्योंकि उनकी हाइट भी होती है और उनमें वजन भी होता है। उनको हमेशा ही साउथ पोल के साथ लगाएं। यहाँ पर आप कंप्लीट अपने वार्डरोब लगाएं, अलमीरा लगाएं। ऐसा करने से आपका साउथ का भाग दक्षिण दिशा हमेशा ऊंची हो जाएगी और वेट भी प्लस रहेगा, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब इसमें आपने बेड लगाने हैं तो बेड आप साउथ वेस्ट में वेस्ट वॉल पर यहाँ पर भी लगा सकते हैं और बेड आप अपने ईस्ट वॉल पर भी लगा सकते हैं। ये दोनों जगह आपके लिए अच्छी है, किसको क्या लगाने के लिए, बेड लगाने के लिए। अब आपने अपने यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगानी है, क्योंकि डाइनिंग टेबल भी काफ़ी हैवी हो जाती है, जो उसके ऊपर स्टोन लगा होता है वो काफ़ी हैवी होता है, जो टेबल होती है काफ़ी हैवी बन जाती है, किसके कारण, स्टोन लगने के कारण। तो वो टेबल आप यहां पर इस हिस्से में डिस्प्ले करें। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने अपने यहां पर ऑफिस का फर्नीचर भी रखना है तो वो ऑफिस का फर्नीचर आप इस जोन में रख सकते हैं। यह जोन ऑफिस के फर्नीचर के लिए भी अच्छी रहेगी। आपके यहां जो सोफे रखे जाते हैं वो सोफे आपने कहाँ रखने हैं, उनके लिए आप ये जो कंप्लीट बनाए, यहाँ पर आपका अपना सोफे की डिस्प्ले हो जाएगी। इस जोन में आप अपने सोफा लगा सकते हैं, सोफा सेट लगा सकते हैं। आपका अपना शोरूम है और ग्राउंड फ्लोर है और इसमें एक टॉयलेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो टॉयलेट आप यहाँ पर इस कोने में एक छोटी सी टॉयलेट बनाए, इसकी एंट्रेंस आप ईस्ट से भी कर सकते हैं और साउथ से भी कर सकते हैं। आपके पास ये एरिया बचता है, इस एरिया में भी आप अपनी डिस्प्ले कर सकते हैं, सोफे की डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर चेयर्स लगा सकते हैं और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वॉल पर इस हिस्से में जितना आप मिरर का, लुकिंग मिरर का काम करेंगे, यानी दीवार पर जो आपके लुकिंग मिरर लगते हैं शोपीस के लिए, वॉश बेसिन के लिए, तो वो मिरर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब भी मिरर लगता है तो उसका हमेशा फायदा मिलता है। फर्नीचर का सेटअप आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके अपने सीटिंग की, ऑनर की सीटिंग कहाँ किस दिशा में होनी चाहिए। ऑनर की जो सीटिंग है वो यहां पर इस जोन में ऑनर की सीटिंग हो जाएगी, यहां पर विजिटर चेयर आ जाएगी। जब वेस्ट जोन में पश्चिम दिशा में ऑनर बैठता है तो उसके काम हमेशा बनते हैं। जो कस्टमर इस शोरूम में आएगा वो कस्टमर यहाँ से सामान लेकर जाएगा, ज़्यादातर कस्टमर सामान लेकर जाएंगे, बहुत कम कस्टमर ऐसे होंगे जो खाली हाथ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर बैठने से कस्टमर आएगा और सामान लेकर जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर ये सोफा लगा हुआ है, यहाँ पर भी आप अपना सोफा लगा सकते हैं, इस जोन में भी आप अपना सोफे की सीटिंग या चेयर्स की सीटिंग कर सकते हैं। जैसे कस्टमर आते हैं तो आप सोफे के ऊपर यहाँ पर भी बिठाकर कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं और अपनी चेयर के ऊपर बैठकर यहाँ पर भी आप अपनी डील कर सकते हैं। ये डील आपकी 101% फाइनल होगी। ये तो हो गया अंदर का सेटअप, कहाँ कैसे फर्नीचर हमने रखना है और क्या क्या चीज़ें हमने बनानी है। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, शोरूम के अंदर जितनी भी लाइट लगे वो लाइट प्योर वाइट होनी चाहिए, वॉर्म वाइट कलर की लाइट नहीं लगानी है, प्योर वाइट लाइट आपने पूरे शोरूम के अंदर लगानी है। अब इसमें मैं आपको कुछ खास बात और बताना चाहूँगा, जो आपके अपने तीन शटर लगे हुए हैं, एक नॉर्थ ईस्ट में, एक नॉर्थ सेंटर में, एक नॉर्थ वेस्ट में, आपने इन तीनों शटर के ऊपर जो कलर करना है वो लाइट आसमानी कलर, स्काई ब्लू कलर करना है। फ्रंट का जो भाग है वो कम्प्लीट वाइट हो जाएगा, जो शटर है आपके वो स्काई ब्लू कलर के होने चाहिए। ऐसा करने से आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। एक बात और जरूर ध्यान रखना, जब आप शटर पर पेंट कराएं तो पेंट आपने कब कराना है, यहाँ पर ग्लास डोर और फिक्स ग्लास
कराने से पहले आपने अपने शटर के ऊपर पेंट कराना है, अंदर के भाग से भी और बाहर के भाग से भी, यानी शटर का अंदर का और बाहर का दोनों हिस्सों में प्रॉपर तरीके से पेंट कराना है। और जो पेंट कराए वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पेंट कराए। अब मैंने उनके यहाँ एक खास बात और बताई, जो ये शोरूम बना हुआ है ये रोड से करीबन 8-9 फुट के करीब अंदर करके बनाया हुआ है, और पड़ोसी की जो बिल्डिंग है वो यहाँ तक बाहर निकली हुई है, यानी पड़ोसी की बिल्डिंग तो अपनी हद में है, जो शोरूम बनाया है इसमें पार्किंग के लिए स्पेस बनाने के लिए अपनी बिल्डिंग को अंदर करके बना लिया। तो यहाँ पर अपने को एक पानी का नल भी लगाना है। यहाँ पर पानी का नल लगाने से और फ्रंट में पानी का छिड़काव करने से भी काम आ जाता है। आपका भी अपना शोरूम है तो मैं कहूँगा कि आप अपने फ्रंट के भाग में पानी का छिड़काव करें, साफ रखें। ऐसा करने से आपके यहाँ पैसा आएगा, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ जोन हमेशा ही पैसे आने के साधन बनाती है। और जब यहाँ पर जल तत्व आ जाता है, क्योंकि नॉर्थ जोन उत्तर दिशा पानी का स्थान है, जल तत्व का स्थान है, और जब हम यहाँ पर पानी की व्यवस्था करते हैं तो उससे हमेशा ही पैसे आने के साधन बन जाते हैं। अब इसमें एक खास बात और बताना चाहूँगा, जो आपका अपना फ्रंट का भाग है, यहाँ पर जो अपना कंपनी का नेम लिखना है, आपने अपने ब्रांड का नेम लिखना है, वो ध्यान रखना है रेड कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोशिश करें वाइट कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर और ऑफ वाइट कलर, ये कलर आप अपने फ्रंट के भाग में जो आप अपना बोर्ड लगाएंगे, जो होर्डिंग लगाएंगे, उसमें ये कलर होने चाहिए, और रेड कलर को हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका फर्नीचर का काम है, आपने अपने यहाँ पर एंट्रेंस पर, नॉर्थ ईस्ट के एंट्रेंस पर, नॉर्थ सेंटर के एंट्रेंस पर, यहाँ पर आपने जो डोरमेट रखना है वो ब्लू कलर का डोरमेट रखना है। ऐसा करने से भी आपके यहाँ काम बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका शोरूम पहले से चल रहा है और शोरूम अच्छा नहीं चल रहा, परेशानियाँ आती है और नॉर्थ फेसिंग है, तो आप अपने यहाँ पर फ्रंट के भाग में ब्लू कलर का डोरमेट रखेंगे, उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। पानी का छिड़काव करेंगे तो भी उससे बेनिफिट मिल जाएगा। मैंने आज अपनी वीडियो में बताया कि फर्नीचर के शोरूम का सेटअप किस प्रकार से कैसे करना चाहिए। इस प्रकार से आप फर्नीचर के शोरूम का सेटअप करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपका शोरूम बहुत ही बढ़िया चलेगा। आपका अपना शोरूम पहले से बना हुआ है या आप अपने शोरूम को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। हमारी ये सभी सेवाएं चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।